बात करें तो आज आप इस मूवी को देखने आए हैं कि एंडोर्स करने आए हैं? देखने आया हूँ मैं। पहले के दो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखे थे उनमें से आप क्या कहना चाहेंगे? पहले के दोनों बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है तीसरी भी बहुत अच्छी होगी। और बेसिकली बहुत ऐसी फिल्म है जो मेरे पसंद की है, इसके कैरेक्टर्स का मेकअप, इसके ग्राफिक्स मुझे बहुत पसंद है। आप खुद एक डायरेक्टर हैं गणेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं, अगर ये फिल्म आज बॉलीवुड में बनती है जिसमें जॉनी डेप का रोल, आप किसको परफेक्ट प्ले करना चाहेंगे और क्यों? आई लाइक ऑल कैरेक्टर्स, जॉनी डेप का सिर्फ नहीं, मुझे जितने कैरेक्टर्स हैं सब अच्छे लगते हैं क्योंकि हर किसी का गेटअप अलग है, एवरी पर्सन इज गेटअप डिफरेंट। और जो ग्राफिक्स है और जो वाटर के अंदर एक्शन का जो क्रिएट किया दैट इज बेस्ट, पहले दोनों पार्ट में बहुत अच्छा था, इस पार्ट में बहुत अच्छा है। गणेश जी, जैसे जॉनी डेप का जो रोल है, अगर ये फिल्म बॉलीवुड में बने तो आप किसको चूज करेंगे कोई अपने बॉलीवुड एक्टर्स में से के जो? हाँ, अभी तक उम्मीद नहीं है, बहुत दूर है, किरण भी बहुत दूर है, पता नहीं, जजमेंट नहीं है। इस तरह की फिल्म आप कुछ आगे बनाना चाहेंगे या आप जैसे कि बोले दो पहली दो फिल्में आपको काफ़ी अच्छी लगी, इस तरह का कंसेप्ट कोई उम्मीद है कि आगे अच्छा काम करूँ, लेकिन इस तरह का मुझे पता नहीं है यार। वेरी गुड, बस कोशिश। गणेश जी, एक मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप इतने सारे चीज़ों में हैं, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, आप कोई ऐसी सिचुएशन में गए जहाँ पे अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, जहाँ से जो मैं आपसे अगर पूछूँ डेंजरस सिचुएशन, तो आपको पहली चीज़ याद आती है हाँ मैं इसमें फंस गया था? या नहीं, मैं बेसिकली किसी में भी नहीं फंसा, मैंने लाइफ बहुत ही स्मूथ और कॉन्फिडेंस के साथ रही, मैंने हमेशा जो कॉन्फिडेंस, जो अपने दिल को अच्छा लगा कॉन्फिडेंस के साथ किया, वो सक्सेस हुआ मुझे। सर 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 सर, अगर आपको कभी हॉलीवुड वेंचर में काम करने का मौका मिले तो क्या आप काम करेंगे? जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज एक और क्वेश्चन सर, अगर स्टार किड होने का बॉलीवुड में क्या एडवांटेज होता है? स्टार किड होने का एडवांस मीन्स, मुझे लगता है कोई एडवांटेज है इसमें, जो टैलेंटेड है वो चलेगा, जो कला जिसके अंदर गॉड गिफ्ट कला वो चलेगा। मुझे लगता है कोई स्टार का बच्चा वो कलाकारी जन्म ले सकता है, हाँ एक है कि अपने खानदान में जो उनको गिफ्ट मिली है उसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन देयर इज द आर्ट, कला है, गॉड की गिफ्ट, तो सक्सेस होगा।